राज्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे 33% अधिक पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तरतुदीनुसार तातडीनं मदत करावी अशी मागणी भाजपाचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज राज्यसभेत केली. पीक नुकसानाबाबत महाडिक यांनी आज राज्यसभेत माहिती दिली. महाराष्ट्रात 16 जिल्ह्यातल्या 96 तालुक्यांमध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे 1,30,000 हेक्टर जमिनीचं नुकसान झालं असून 3,63,325 हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. यात द्राक्ष, कापूस, ऊस, सोयाबीन या पिकांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे असं त्यांनी नमूद केलं. यासह नांदेड विमानतळ कार्यरत करून सर्व संपर्क सुविधा पोहोचवायला केंद्र सरकारचं प्राधान्य आहे. मात्र हे विमानतळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नसून महाराष्ट्र सरकारनं ते एका खासगी संस्थेला दिलं आहे असं केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी आज सांगितलं. नांदेड विमानतळ कार्यरत नसल्याच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार फौजिया खान यांनी राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर ते उत्तर देत होते. एयरलाइंस ने भी नांदेड़ में प्रचलन शुरू कर दिया था. कुछ एयरलाइंस जो इकोनॉमिक रिटर्न नहीं हो पा रही थी तो वहां थोड़े फ्लाइट्स कम हो गए थे, पर नांदेड़ को कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. वो इसलिए केवल नहीं क्योंकि नांदेड़ एक प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, पर हमारे सिख समाज के लिए भी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान नांदेड़ है. कठिनाई इस विषय में एयरलाइंस के तरफ से नहीं है अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इस क्षेत्र में नांदेड़ एयरपोर्ट के साथ है. महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है क्योंकि ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है और ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है. जिस एंटिटी ने आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फीस को भी रीएम्बर्स नहीं किया, जो एटीसीओज हमने वहां लगाई थी उनको भी हमें विड्रॉ करनी पड़ी और जो उड़ान के 5.0 राउंड बिडिंग थी नांदेड़ टू पुणे, हिंडन, बैंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, गोवा और पटना और आदमपुर के रूट्स भी हमने अवॉर्ड किए. मैं प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार और उनके साथ चर्चा भी कर रहा हूं और हमारी यही सोच है कि वो एयरपोर्ट वापस अगर प्रदेश सरकार ले पाए, उसे प्रचलित कर पाए, तो फिर उस एयरपोर्ट्स पे हम लोग वो रूट्स की शुरुआत हम लोग कर पाएंगे.